वेलकम दोस्तों, आप लोग के अपने YouTube चैनल सैम ट्विटर क्लब में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा आप अपने मोबाइल में किसी भी एप्स को दो बार कैसे इंस्टॉल करें। जैसे एक ही मोबाइल में दो फेसबुक यूज करना, दो व्हाट्सएप यूज करना, दो इंस्टाग्राम यूज करना। अभी तक आपने देखा होगा कि दो फेसबुक कैसे यूज कर सकते हैं, दो व्हाट्सएप कैसे यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने जो इस वीडियो में बताया है उसके माध्यम से आप जो भी एप्स आपके एंड्रॉयड मोबाइल में पहले से सेव है उसको दो बार उपयोग कर सकते हैं। जैसे दो व्हाट्सएप, दो फेसबुक, दो इंस्टाग्राम, दो पेटीएम, दो मिंत्रा, जो भी आपके मोबाइल में है उसका दो बार कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो नीचे लाइक बटन पर क्लिक करके लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों भाई बंधुओं के पास भी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें। और हमारे चैनल के प्रति, हमारे वीडियो के संबंध में यदि आपके पास कोई राय सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है। और हमारा चैनल को आप यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर भी आप क्लिक कर दें दोस्तों, जिससे हमारा वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप हमारे वीडियो को देख सके। क्योंकि दोस्तों ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहता हूं एक दिन अल्टरनेट करके, व्हाट्सएप संबंधित, फेसबुक से संबंधित, नए नए टेक्नोलॉजी से संबंधित, स्टडी संबंधित, जॉब संबंधित। तो दोस्तों इस तरह की वीडियो आप मिस न करें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों और अपने दोस्तों के बीच भी इस बात को आप शेयर करें। इस ट्रिक्स के लिए दोस्तों हमें एक ऐप्स की जरूरत पड़ेगा जो मैं बताने जा रहा हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन करना है, ये देखिए मैं ओपन कर रहा हूं। और जैसे हम प्ले स्टोर ओपन, वहां पर लिखना PARRALEL पर्लल स्पेस SPACE और सर्च कर देना है। ये देखिए यहां पर सर्च हो रहा है, सर्च होके यहां पर इस तरह आ गया। जैसे ही आ जाए यहां पर आपको इंस्टॉल लिखा रहेगा, मैं पहले से इंस्टॉल कर रखा हूं इसलिए ओपन लिख रहा है। ओपन पे क्लिक कर देना, ओपन करना है। ये ओपन हो रहा है, ये कह रहा है यहाँ पर इतना जो ऐप्स है व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, पेटीएम, इंस्टाग्राम, ज़्यादातर लोग इसका उपयोग करते हैं और अपने मोबाइल में ये पहले से सेव रखते हैं। तो बता रहा है कि ये सब का आप शॉर्टकट बना सकते हैं, डुप्लीकेट ऐप्स बना सकते हैं, यानी दो ऐप्स इसका आप यूज कर सकते हैं। यानी ये जो पाँच ऐप्स है यहाँ पर, ये पांचों ऐप्स का आप डुप्लीकेट, यानी आपके पास और भी कोई दो अकाउंट है, दो व्हाट्सएप रखे हुए हैं, दो फेसबुक रखे हुए हैं, पेटीएम का दो अकाउंट है, तो आप इससे यहां पर आप उपयोग कर सकते हैं दूसरा अकाउंट के रूप में। और यदि इसके अलावा आपको कोई और दूसरा ऐप चाहिए जो आपको मोबाइल में पहले से मौजूद है और उसका डुप्लीकेट चाहिए, तो यहां पर लिखा हुआ ऐड ऐप, उस पर क्लिक करना है। ये देखिए मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पर से आप इस एप्लीकेशन को देखिए, मेरे मोबाइल में ये सब पहले से लोड है जो यहाँ पर शो कर रहा है, हाईलाइट हो रहा है। देखिए मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करके नीचे जा रहा हूँ, ये सब मेरे मोबाइल में पहले से शो है। मान लीजिए हमको इसमें से किसी भी ऐप्स का हमको डुप्लीकेट चाहिए, यानी दो बार उसको उपयोग करना चाहिए। मान लीजिए मेरे पास इमो पहले से भी मेरे मोबाइल में है और फिर से हमें इमो का उपयोग करना है, तो देखिए मैं आपको पहले दिखा दूँ मेरे मोबाइल में। देखिए यहाँ पर इमो पहले से लोड है, ये देखिए पहले से इमो यहाँ पर लोड है और फिर हमें इमो करना है। इमो पहले से लोड है और फिर से यदि लोड करना है तो यहाँ पर हमको क्लिक करना होगा इमो पर। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए हरा एक बटन आ जाएगा, ब्लू कलर का आ गया। और ऐड वन जो यहाँ पर है इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही करूंगा देखिए वो उधर जाकर वो सेव हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इमो आ गया, अभी नहीं था, अभी इमो आ गया। यदि हमें कोई और ऐप चाहिए तो फिर से ऐड ऐप्स पे मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए ओपन हो रहा, हो गया। और जो भी हमको चाहिए, मान लीजिए ये सब पहले से हाईलाइट हो रहा था उसे मैं ऑफ कर दिया क्योंकि सबका डुप्लीकेट बन जाता। यदि मान लीजिए हमें स्काइपी का डुप्लीकेट चाहिए तो यहाँ पर स्काइपी है, स्काइपी पे मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ ऐड टू पर्लर स्पेस जो है नीचे इस पर क्लिक करूंगा। ये देखिए यहाँ पर आ गया स्काइपी। अब हमें चाहिए कि इसे अपना स्क्रीन पर लाएं, तो स्क्रीन पर लाने के लिए इस पर हमें क्लिक करना होगा। जो भी है, मान लीजिए हमें इमो को स्क्रीन पर लाना है दोबारा डुप्लीकेट को, तो यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे ऊपर स्क्रीन शॉर्टकट पर आ जाएगा, यहाँ पर ले जाकर हमें इसे रख देना है। जैसे ही छोड़ेंगे यहाँ पर,
ये देखिए आपका स्क्रीन पर ये सेव हो गया। यहाँ देखिए मेरा स्क्रीन पर एक इमो प्लस करके, इसका पहचान ये है कि जो भी डुप्लीकेट ऐप्स होगा उसमें प्लस का साइन रहेगा, इमो प्लस है। और देखिए मेरा पहले से इमो जो पहले ओरिजिनल प्ले स्टोर से लोड किया वो ये है, और अभी जो दूसरा किया वो यह है दोस्तों। तो यह एक बहुत अच्छा ऐप्स है दोस्तों, कि इससे आप किसी भी एप्लीकेशन का डुप्लीकेट बना सकते हैं और उसमें दूसरा आईडी देकर उसका आप एक ही एंड्रॉयड में दो फेसबुक, दो व्हाट्सएप, दो ईमो, दो इंस्टाग्राम आप चला सकते हैं, दो मैसेंजर, दो स्काइप ही चला सकते हैं जिसका आप उपयोग करना चाहते हैं जिस भी ऐप्स का दोस्तों। तो यहाँ से उसको आप डिलीट मत करें, क्योंकि यहाँ से जैसे ही आप डिलीट करेगा आपका वो स्क्रीन से भी हट जाएगा। देखिए मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। इस पर मैंने क्लिक किया, ऊपर डिलीट है, डिलीट पर जैसे ही मैं गया यहाँ डिलीट कर दिया। जैसे ही डिलीट किया ये देखिए आपका ये स्क्रीन से भी खत्म हो गया, स्क्रीन से भी यहाँ से देखिए यहाँ पर अभी था अब नहीं है, अब खत्म हो गया। सिर्फ मेरा जो ओरिजिनल इमो है वो आ रहा है और जो मैं अभी लोड किया था वो यहाँ पर अभी नहीं आ रहा है। तो चलिए एक बार फिर मैं वो ऐप्स फिर से जो इमो था इसको फिर से मैं लोड कर लेता हूँ। ऐड प्लस पे क्लिक किया, ऐड ऐप पे जैसे मैंने क्लिक किया ये देखिए ओपन हो गया, यहाँ से ओपन हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर इमो ऐप्स आ गया फिर से डुप्लीकेट, और ये टिक मारा हुआ है। यहाँ पर ऐड टू पैरेलल स्पेस इस पर क्लिक कर दूंगा, जैसे इस पर क्लिक करते ये देखिए फिर से यहाँ पर आ जाएगा, फिर से यहाँ पर इमो आ गया। अब हमें यदि मोबाइल का स्क्रीन पर लाना है तो फिर से यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा इमो पे, थोड़ा देर हाथ से उंगली से फिंगर से प्रेस किया रहना है, जैसे ऊपर क्रिएट शॉर्टकट आएगा उस पर ले जाकर टच कर देना है। देखिए यहाँ पर लिखा गया शॉर्टकट क्रिएट, और ये हमारे मोबाइल में फिर से डुप्लीकेट ऐप्स के रूप में आ गया। यहाँ पर ये देखिए इमो प्लस करके आ गया, अभी नहीं था फिर आ गया। ये देखिए मेरे मोबाइल में जो प्ले स्टोर से लोड किया हुआ है वो है। इस ऐप्स के माध्यम से दोस्तों आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में पहले से इंस्टॉल किसी भी ऐप्स का डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हैं और उसका दो बार उपयोग कर सकते हैं, यानी एक ही मोबाइल में आप दो व्हाट्सएप चला सकते हैं, दो फेसबुक चला सकते हैं, दो ईमो, दो मैसेंजर, दो पेटीएम, दो इंस्टाग्राम, जो भी आप चलाना चाहते हैं इस ऐप्स के माध्यम से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप अपनी राय सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और हमारे वीडियो को दोस्तों लाइक करना नहीं भूलें, लाइक करें, शेयर करें, और हाँ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।